सभी को नमस्ते। ये मेरे यहाँ करौंदे का पौधा लगभग 3 फीट ऊंचा हुआ है, 2.5-3 फीट, और ये पूरे सूखी पत्तियों में लगाया हुआ है। इसके करौंदे हर साल बहुत अच्छे आते हैं, जो मैं चेरी बनाने के लिए, ग्लेश चेरी बनाने के लिए, या इसकी चटनी बनाने के लिए, या इसका जैम बनाने के लिए इसका उपयोग करता हूँ। चलिए हम आज बनाएंगे इसका जैम। पहले तो इसको तोड़ लेंगे सारे, बाद में इसको काट कर इसके बीजे निकाल देंगे और चूने के पानी में लगभग आधे घंटे तक भिगो कर रखेंगे। ये खाने वाला चूना है और करौंदे को बारीक काटने के बाद आपको ये जो चूना है खाने वाला, तो खाने वाला चूना 1 लीटर पानी या 0.5 लीटर पानी और करौंदे, तीनों को एक साथ मिलाकर आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है वैसे के वैसे, ताकि ये बिल्कुल करारा हो जाएगा और इसको अच्छे से पक जाएगा वो बाद में। ये जो चूना है साथ ही पानी में घोल दीजिए अच्छे से, लगभग आधा चम्मच, आधे से 1 लीटर पानी में चूना घोलने के बाद, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद करौंदे जो है पूरे इसके अंदर आप डालकर उसको आपको लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये बिल्कुल करारा हो जाएगा और बाद में अच्छे से ये पकेगा। आधा घंटा पूरा होने के बाद सारे करौंदे को अच्छे से पानी, अच्छे पानी से बिल्कुल अच्छे से धो ले, 3-4 बार साफ पानी से धोकर इसको पूरी तरह से इसमें से चूने वाला जो अर्क है इसका वो पूरा निकाल दे। तो आपको इसको 3-4 पानी से धो लेना है। साफ पानी से धोने के बाद जितने करौंदे हैं बिल्कुल उतनी ही आप चीनी ले सकते हैं या उससे थोड़ी कम। जितनी चीनी लेंगे उसमें थोड़ा सा, यानी उसका आधा उसमें पानी डालकर आपको चाशनी बना लेनी है, एक तार वाली। जैसे ही एक तार वाली चाशनी बन जाएगी उसके बाद ये सारे करौंदे उसके अंदर डालकर दोबारा आपको पका लेना है अच्छे से, उस पर अच्छा खासा झाग आने तक और लगभग 2-3 तार वाली चाशनी बनने तक इसको आप पका लेंगे अच्छे से। सबसे पहले पतीले के अंदर चीनी आप डाल दें। चीनी डालने के बाद उसमें लगभग जितनी चीनी है उसके आधे प्रमाण में आप उसमें पानी डाल देंगे और चीनी और पानी अच्छे से पकाने के लिए आप रख देंगे। एक बार चीनी अच्छे से पिघल जाए और उसमें उबाल आने लगे, उस वक्त जैसे ही एक तार वाली चाशनी बन जाए उसमें सारे के सारे करौंदे जो है उसको मिला देंगे। और करौंदों को मिलाने के बाद हमें अच्छे से इसको पका लेना है। ये बिल्कुल ऐसे ही अच्छा खासा उबाल आकर लगभग 2-3 तार की चाशनी बनने तक आपको पकाना है। करौंदे जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही वो पूरे पक जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। इसमें आप आधी नींबू का रस जो है उसको निचोड़ सकते हैं। नींबू का रस निचोड़ने से दोबारा इसमें चीनी नहीं बन पाएगी और अच्छे खासे करौंदे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेंगे और चीनी के चाशनी में अच्छी तरह से वो पूरी तरह से सोख लेगा चाशनी को और बिल्कुल मीठे बन जाएंगे। एक बार इस तरह से झाग आने लगे तो समझ लीजिए कि वो अच्छे से पक चुका है। करौंदे भी देखेंगे तो देखिए बिल्कुल पकने लगे हैं, पक गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप गैस को बंद कर दें और ऐसे ही इसको ठंडा होने दें। ये पूरे ठंडे होने के बाद बिल्कुल ही अच्छे खासे टेस्ट में मीठे लगते हैं और बहुत ही सुंदर उसका रंग आता है। ये जैम अब तैयार है। ठंडा होने के बाद आप इसको भर कर रख सकते हैं किसी भी बोतल में, कांच की बोतल में रख दीजिए इसको। ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता, इसमें चीनी सम प्रमाण में है तो इसलिए ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता। ये देखिए, ये है ग्लेश चेरी। अगर चाशनी में रखेंगे तो जैम जैसे आप खा सकते हैं और चाशनी निकाल देंगे तो ऐसे ग्लेश चेरी तैयार होती है।
मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, आप चाहे तो आर्टिफिशियल कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। दिखने में भी बेहद सुंदर दिखते हैं और खाने में बहुत ही लजीज। ये हालांकि बहुत खट्टे होते हैं, बट चीनी के चाशनी में इसको पकाने के बाद, चीनी के चाशनी में इसको डुबा कर रखने के बाद ये बिल्कुल ही मीठे हो जाएंगे और टेस्ट में बहुत सुंदर लगते हैं बाद में। तो ज़रूर आप लोग बना के देखिए। हैप्पी कुकिंग।